Now students, we are going to start our exercise number 3. Here the question number 1, filling the blanks. Here we have the first filling the blanks. 12 divided by 24 is expressed in decimal form as. Like how we can write the 12 or 24 in decimal number system. First of all, hum kya karenge? Hum divide karenge 12 ko 24 pe. Because 24 is a greater number, ठीक है, 12 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाकर यहाँ पर जीरो लगाएंगे, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, 24 फाइव्स आर 120, सो आपके पास आंसर क्या आया, 0.5. वी कैन राइट इट एज 0.5. सो 12 ओवर 24 कैन बी रिटन इन डेसिमल फॉर्म एज 0.5. नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव द सेकंड ब्लैंक. The decimal equivalent of 23% of. Like आपके पास ये जो decimal equivalent है, ये 23% का क्या होगा? Like students, जब आपके पास किसी भी number के साथ percentage write होती है, like percentage का symbol लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि आपने उस number को क्या करना है, 100 से divide करना है. किससे divide करना है? 100 से divide करना है. जब हम 23 को divide करेंगे 100 पर, बिकॉज 100 आपका ग्रेटर नंबर है 23 से, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो लगाएंगे. 100 टूज आर 200, 30 आपके पास रिमाइंडर आ गया, आप पॉइंट का फिर यहाँ पे जीरो लगेगा. 100 थ्रीज आर 300, सो 0.323 इज योर आंसर. नाउ स्टूडेंट्स, द परसेंटेज इक्वेलेंट ऑफ 0.4 इज. Like 0.4 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, 0.4 है, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज. सो हम इस नंबर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100% के साथ. 4 पॉइंट नीचे 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज हैं उतनी नीचे 0 आ जाएगी, तो पॉइंट के बाद आपके पास एक ही डिजिट है 4, तो आपके पास डिनोमिनेटर में एक ही 0 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100%. 1010 के साथ कैंसिल, 4 10s are 40%, सो आपका आंसर आया 40%. नाउ स्टूडेंट्स, द नंबर 2.19 इज एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन. हाउ वी कैन राइट 2.19 इन फ्रैक्शन फॉर्म? तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, 2.19 है, पॉइंट को हटा के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने के आएंगे जीरोस. अब देखें, ये आपके पास 219 ओवर 100 है, 219 और 100 एक टेबल पर नहीं जाते, तो इसका आंसर क्या होगा, 219 ओवर 100. नाउ स्टूडेंट, हियर वी हैव फिफ्थ ब्लैंक. 4.555 इज आर डैश. आपके पास 4.55 जो है वो क्या है, अगर आप देखें तो आप इसका डेसिमल पार्ट देखें, डेसिमल पार्ट में आपके पास जो 5 है वो वैल्यू बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, 5 है फिर 5 है फिर 5 है. इट मीन्स दैट जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में वो नंबर बार बार रिपीट हो तो वो क्या कहलाता है, रिकरिंग. क्या कहलाता है, रिकरिंग. इट इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन. नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं? लाइक हियर वी हैव 0.5 इज इक्वल टू 50 ओवर 100. अब 50 ओवर 100 है आपके पास, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके चेक करेंगे कि हमारे पास आंसर 0.5 आते हैं या फिर नहीं आता. तो हम क्या करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे 100 पर, बिकॉज 100 इज अ ग्रेटर वैल्यू एज कम्पेयर टू 50. पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो लगाएंगे. 100 फाइव्स आर 500. सो स्टूडेंट्स, आपके पास आंसर क्या है, 0.5. सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, 137 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1.37. लाइक 137 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1.37. नाउ स्टूडेंट्स, 137 को डिवाइड करेंगे 10 पे, 10 वन्स आर 10,
रिमाइंडर क्या आया 3 और यहां से ऊपर क्या आ जाएगा 7. नाउ स्टूडेंट 10 थ्रीज आर 30, 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया क्या आएगा 7. अब 10 इज अ ग्रेटर वैल्यू, 7 इज अ स्मॉलर वैल्यू, सो वी कैन पुट पॉइंट ओवर हियर. पॉइंट यहां पे लगा के यहां पे क्या लगाएंगे 0. नाउ 10 सेवंस आर 70. नाउ स्टूडेंट्स आपके पास आंसर क्या है 13.7 और यहां पर क्या है 1.37. इट मींस दैट इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ स्टूडेंट्स आपने थर्ड स्टेटमेंट में ये बताना है इट इज ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट. 345% इज इक्वल टू 3.45%. नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू द डेसिमल नंबर सिस्टम. हियर वी हैव 345%. जब 345% है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इट कैन बी रिटन एज 345 डिवाइडेड बाय 100. नाउ वी कैन डिवाइड दिस फ्रैक्शन 345 एंड 100. 100 थ्रीज आर 300. 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए 5, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए 4, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए कुछ भी नहीं आएगा. हियर वी हैव 45 एंड हियर वी हैव 100. 100 इज ग्रेटर देन 45. सो यहां पर पॉइंट लगा के यहां पर क्या लगाएंगे 0. नाउ 100 फोर्स आर 400. 0 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए 5, पॉइंट का यहां पे क्या आएगा 0. 100 फाइव्स आर 500. तो आपके पास आंसर क्या है 3.45 और इधर आपके पास आंसर क्या था 3.45. सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ स्टूडेंट्स इन फोर्थ स्टेटमेंट 3/17 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, लास्ट वीडियो में आपको बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसमें डेसिमल पार्ट जो होता है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो, फाइनाइट हो, काउंटेबल हो. नाउ वी कैन डिवाइड दिस फ्रैक्शन फॉर चेकिंग कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या फिर नहीं है. आई एम गोइंग टू डिवाइड 3/17 बिकॉज 3 इज स्मॉलर देन 17. तो पॉइंट लगा के यहां पे क्या लगाएंगे 0. 17 वंस आर 17. 1 इधर से कैरी लेंगे, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 3, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1. नाउ वी कैन पुट. नाउ स्टूडेंट 17 वंस आर 17, तो आपके पास क्या आया था 13. पॉइंट लगा के आपने 0 लगाया. नाउ 130 आपके पास. नाउ 17 सेवंस आर 119. 130 में से 119 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 11. पॉइंट का यहां पे 0 आएगा. नाउ 17 सिक्स आर 102. 110 में से 102 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 8. नाउ स्टूडेंट्स पॉइंट का क्या आएगा 0. 17 फोर्स आर 68. तो आपके पास रिमाइंडर में क्या आ गया 12. इट मींस दैट हमारे पास ये वैल्यू क्या है चलती जा रही है. इट मींस दैट ये क्या हमारे पास रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है. सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ स्टूडेंट्स 223.69 is rounded off to the nearest whole number as 24. How we can round off the numbers? Students, agar aapke paas, here is the number 25.26. Agar mujhe ye kaha jata hai ki isko first decimal place tak round off kare. Like first decimal place pe kaun sa number hai? Here is digit 2. Here is digit 2 और मुझे ये कहा जाता है कि आपने इसको फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है. तो राउंड ऑफ करने का मतलब ये होता है कि उसको किस तरह से करते हैं, आपने उसे नेक्स्ट वैल्यू को देखना है. नेक्स्ट वैल्यू को देखना है, अगर नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 5, 6, 7, 8 या 9 है तो आप क्या करेंगे इसमें 1 को ऐड कर देंगे. इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे. लाइक अगर ये राउंड ऑफ होता है फर्स्ट डिजिट तक तो ये वैल्यू बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 4, ये 4 से बड़ी है, ये सारी वैल्यूज 4 से बड़ी हैं, तो क्या करेंगे हम इसमें एक ऐड करेंगे. 2 में जब 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3. तो ये राउंड ऑफ होके क्या आ जाएगा 25.3. वी कैन राइट दिस नंबर 25.26 लाइक 25.3. और अगर आपके पास एक नंबर है 25.24 और आपको ये कहा जाता है कि आपने उसको फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो आपके पास ये नंबर क्या है 2 है. हमने राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना होता है
नेक्स्ट डिजिट को या नेक्स्ट वैल्यू को देखना होता है। अब आपके पास नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4। अगर आपके पास डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 होंगे तो आपने 2 में 1 को ऐड नहीं करना, आपने इसको 25.2 एज इट इज लिख देना है। नाउ स्टूडेंट्स, ये है राउंड ऑफ का मेथड। अब आपके पास फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है, 23.69 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर 24। अगर हम 23.69 को राउंड ऑफ करते हैं, अब आपके पास यहां पर क्या है 9, अगर इसको हम राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ करते हैं ये क्या बन जाएगा 23.7, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 4, तो हम इसमें 1 को ऐड करेंगे। नाउ अब मैं उसको होल नंबर तक राउंड ऑफ करना चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ कि उसका पॉइंट फिनिश हो जाए, वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो होल नंबर में वो वाले नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम्स नहीं आते, तो क्या करूंगी, इट इज ग्रेटर देन 4, तो क्या करूंगी यहां पर एक ऐड कर दूंगी, जब 23 में 1 ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा 24। 23.69 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर एज 24, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट।